अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बताऊंगा। देखिए, सिद्धू तीसरे नंबर पे है, मजीठा साहब दूसरे नंबर पर है, और अमृतसर ईस्ट में पहले नंबर पे हमारी एक बिल्कुल साधारण सी वॉलंटियर चल रही है। लांबी सीट से प्रकाश सिंह बादल पीछे चल रहे हैं, पटियाला से अमरिंदर सिंह पीछे चल रहे हैं, और चन्नी साहब अपनी दोनों सीटों से, भदौर से और चमकौर साहब से, दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। मनप्रीत सिंह बादल पीछे चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो दिल्ली के अंदर देखने में मिला था, जब बड़े बड़े दिग्गज नए नए नौजवान लोगों से, आम लोगों से, साधारण लोगों से हारे थे। चलिए, बड़ा परिवर्तन है। मैं बराला साहब के पास जाऊंगा। बराला साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी जी, माफ कीजिएगा, पहले आवाज नहीं आ पा रही थी। तो पहले तो मुबारकबाद ले लीजिए, 348 के रुझान में 227 में आगे सरकार तो बनी रही है। बहुत मुश्किल है समाजवादी पार्टी यहां से कोई कैचअप कर पाए, ये आपकी नजर में कैसे हो पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2017 के और 2022 का जो कार्यकाल उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का था, वो बहुत अभूतपूर्व और बहुत परिश्रम था। उस 5 साल में, उस 5 साल के अंदर जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब थी, उसको पूरी तरीके से ठीक करने में रात दिन प्रयास किया गया और उसको ठीक किया गया। चाहे बुलडोजर चलाना पड़ा, चाहे अपराधियों को जेल भेजना पड़ा, वो सारा उनका अपराधियों का जंगल राज, माफिया राज और जो भू माफिया, उन सबको पूरी तरीके से खात्मा करने का इस सरकार ने जो काम किया, जनता में जो विश्वास जगाया, तो ये उसका एक बहुत बड़ा काम। फिर दूसरा, उत्तर प्रदेश के जो गरीब वर्ग है, जो एक मध्यम परिवार से नीचे रहने वाला, जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती मलिन, जो श्रमिक है, मजदूर है, जो ऐसा है लोग है जिनको योजनाएं नहीं मिलती थी, केवल राजनीतिक दल के जो लोग थे वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को लाभ दिया करते थे, जनता को उस लाभ से कोई लेना देना नहीं था। प्रधानमंत्री के द्वारा जो जनधन के जो खाते खोले गए थे, उनकी सोच जो थी कि वो सीधा पैसा लखनऊ से आए, दिल्ली से आए, वो उनका सीधा उनके खाते में चला जाए। डबल इंजन की सरकार का जो लिए, ये जो आपने लाभार्थियों की जो बात की ना, जो बार बार लाभार्थी लाभार्थी एक वर्ग बताया जा रहा है, क्या ये लाभार्थी अब आप कहेंगे एक वोट बैंक बन चुका है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो हमारा कल्याण कर सकती है, हमारे घर की छत दे सकती है, हमें सुशासन दे सकती है, और हमारा जो लाभार्थी हिस्सेदार। आवाज नहीं जा रही बराला साहब तक। शुभराज साहब हमारे साथ जुड़ गए। शुभराज जी, ये लाभार्थी अब एक वर्ग बन चुका है, वोट बैंक बन चुका है? मुझे लगता है वोट बैंक था, पर उस पर ध्यान कहीं कभी नहीं गया था बहुत ज्यादा लोगों का। लेकिन अब जिस तरीके से एनालिस्ट का तो हम सुबह से बात कर रहे हैं, वो ध्यान तब जाता है जब नतीजे आ जाते हैं। अब अगले चुनाव में इस पे ध्यान जाएगा? नहीं, मुझे लगता है पॉलिसी के बारे में भी अगर देखें तो, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो, लाभार्थियों को लेकर के स्पेसिफिक कैंपेन्स तो किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पिछले 2-3 चुनावों से बहुत दमखम के साथ लाभार्थियों को, जो आप बात करें वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हुए, जिस तरीके से रीच आउट करती है, वो एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव तो है लोकतंत्र में, इसका स्वागत भी होना चाहिए। एक वोट बैंक बन गया लाभार्थी, संजय जी? नहीं, देखिए, लाभार्थी को वोट बैंक कहना थोड़ा सा मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। ये वो वर्ग है जो कहता है कि मुझे इतनी सरकारें आज तक बनी और मोदी के पहले हमें किसी ने नहीं दिया, तो वोट बैंक ही तो हुआ। नहीं,